बुधवारी गांव में पारिवारिक घरेलू कलह से मां बेटी ने मिलकर पिता से मारपीट की। चोट लगने से पिता की मौके पर हुई मौत, पुलिस जांच में जुटी। प्रयागराज जनपद में घोरपुर थाना व कर्मा चौकी क्षेत्र के उभारी कटरा गांव में सोमवार दोपहर 2:30 बजे के लगभग गैसुद्दीन 55 वर्ष पुत्र मुख्तार अहमद निवासी उभारी बलापुर थाना घोरपुर अपने घर में थे और पत्नी अमीना 45 वर्ष और 2 बेटियां सन्नो 28 वर्ष तथा मन्नो 19 वर्ष घर के अंदर मौजूद थी। मृतक गैसुद्दीन व पत्नी अमीना के कुल 7 बच्चे हैं, जिसमें से 4 बेटा व 3 बेटियां हैं। सबसे बड़ी बात तो यह है कि बेटी सन्नो 28 वर्ष, जमालुद्दीन 25 वर्ष, रन्नो 22 वर्ष, मन्नो 19 वर्ष व मुहर्रम 17 वर्ष, छोटे 13 वर्ष, अरशद 9 वर्ष हैं, जिसमें से 2 बेटियां सन्नो और रन्नो की शादी तथा बेटे जमालुद्दीन की शादी कर चुके हैं, जिसमें सन्नो 28 वर्ष की शादी 2 वर्ष पूर्व ही कर्मा में हुई थी। सन्नो का चारित्रिक खराब होने की वजह से उसका पति उसे छोड़ दिया था, तब वह अपने माँ के घर पर रह रही थी और मन्नो 19 वर्ष की भी खराब होती जा रही थी और सन्नो और मन्नो के आपस में खूब मेल जोल रहता था और जब पिता दोनों को मारने के लिए डांटते थे तो इसी बीच में पत्नी अमीना अपने ही पति से लड़ जाती थी। बेटियों के कृत्य का एक वीडियो कुछ वर्ष पहले भी वायरल हो चुका है, जिसके आए दिन मृतक गयासुद्दीन अपने बेटियों से नाराज होकर पत्नी अमीना को लड़ता झगड़ता था और आज ही के दिन सोमवार को भी लड़ गया और माँ बेटी एक तरफ होकर गयासुद्दीन से मारपीट करने लगी, जिसमें गयासुद्दीन को गंभीर चोटें लग गई। गयासुद्दीन के मौके पर मौत हो गई। यह देख पत्नी अमीना, बेटी सन्नो व मन्नो भागने का प्रयास करने लगी, लेकिन परिजनों ने घोरपुर पुलिस को सूचना देकर गिरफ्तार करा दिया। मौके पर कर्मा चौकी तथा घोरपुर पुलिस द्वारा शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। मृतक गयासुद्दीन के भाइयों ने लिखी शिकायत पत्र लेकर जांच पड़ताल करने की कार्रवाई का आश्वासन दिया गया। अब प्रयाग एक्सप्रेस न्यूज के लिए गौरव शंकर बिंद की खास रिपोर्ट। यहाँ पे मौत हो गई है, क्या है पूरा मामला, किस तरीके से ये घटना घटी थी? मामला यह है, इनकी दोनों लड़कियाँ इतनी बदचलन थी, उसको रोकने के लिए जब भी ये डांटते मारते थे, हाँ, और इनकी बीवी भी जो है मतलब उन्हीं दोनों बेटियों का साथ देती थी, हाँ। इसी संबंध में कल रात में घर से दोनों बेटियां और इनकी बीवी घर से कुछ सामान जो है लेके अप्पे पर लाद के लेकर गए, हाँ। और जब उनको पता ही नहीं, तो किसी घर में किसी को भी नहीं पता, जब पता चला, हाँ, जब आज पूछने लगे तो दरवाज़ा बंद करके इनको जो है मारना शुरू कर दिया। हम लोग कोई घर पर नहीं थे, होटल पर बैठे थे हम, जैसे हल्ला पुकार हुआ, जैसे ही आए तो ये दरवाज़ा खोल के जैसे बाहर निकले और तुरंत जो है हाथ में आग बोले, भाई लोग बचा लो हमको, तुरंत अस्पताल ले जाओ, हमको बहुत मारा है, हाँ। बस इतने में है जो है गिरे और हाथों बाहों में ही दम तोड़ दिया इन्होंने, बाकी आगे कुछ भी नहीं बता पाए। इनकी बीवी और जो बिटिया हैं उस समय लोग क्या इस समय बहस जो है मतलब पुलिस प्रशासन के हिरासत में, एक लड़की और बीवी है और बड़ी लड़की इनकी भाग गई, गांव के कुछ लोग जो है आ रहे देखे तो वो रास्ते मिली थी, जो कि वो कर्मम रहती है, उसका नाम है सन्नो, उनकी बीवी का नाम है आमिना, छोटी लड़की का नाम है मन्नो, एक और है भाई गई है। आपका क्या, आपका नाम? मेरा नाम बदरुद्दीन।